आलू के पराठे तो सबने बनाए होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम पराठे बनाते हैं तो हमारे पराठे फट जाते हैं, कट जाते हैं या मसाला बाहर निकल जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप कितना भी पतला पराठा बेलो लेकिन आपका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम सारे मसालों को, आलू को मिक्स कर लेंगे, आलू को मैश कर लेंगे। फिर इसके बाद हम स्टफ तैयार करने के बाद आटे की दो छोटी छोटी लोइयां लेंगे, पूरी के आकार का इनको बेल लेंगे। पूरी के आकार का बेलने के बाद हम एक पूरी के ऊपर मसाले को धीरे धीरे से फैला देंगे। फिर हम इसके ऊपर दूसरी पूरी को लगा देंगे। अब इसके बाद हम चाहे कितना भी पतला कितना भी बड़ा पराठा बेलो, हमारा स्टफ जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और इसे पराठे भी पतले पतले बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसके ऊपर तवे पे डाल के फिर आप घी लगाकर इसको सर्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसको पूरी रोटी के आकार का बेलकर इसके अंदर आप मसाला लगाकर इसको ट्राइंगल शेप दे सकते हैं। ये शेप जो है वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो आप दोनों तरीके से पराठे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू। अच्छा।